गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज मैं कर रही हूँ लेग्स वर्कआउट। और सबसे पहले मैं ले रही हूँ फर्स्ट मील। अभी बच चुके हैं 11 AM। मैं अभी 2 दिन से डाइट कर रही हूँ। मेरे फेस में काफ़ी ज़्यादा फर्क आ गया है, थोड़ा सा लीन हो रहा है, जो कि अच्छा लगता है। एंड कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि आपका शोल्डर कैसा है, तो मैंने कल ही पट्टी लगाई थी और रात को मैंने निकाल दिया था क्योंकि मुझे बहुत पेन हो रहा था। तो अब तो ठीक है काफ़ी शोल्डर, और अभी मैं ठीक हूँ। पेन इतना नहीं है, पेन तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है कि ना, मुझे सोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि मैं इस साइड नहीं सो पा रही हूँ। और कि वर्कआउट अच्छा है, आज तो मैं लेग्स वर्कआउट कर रही हूँ, तो देखती हूँ कि आज बारबेल मतलब होगा कि नहीं होगा। मेबी मैं तो पूरा कवर करके जाऊँगी। और यहाँ पर मैं जिस एरिया में मैं रुकी हुई हूँ, यहाँ पर जिम जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ रहा है क्योंकि ट्रैवलिंग सेम ट्रैवलिंग की वजह से। और अभी तो मैं जा रही हूँ आज गोल्ड जिम सेक्टर 51। ए गाइस, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने पहना हुआ लेग डे की टी शर्ट एंड पीछे आर्नोल्ड की पिक्चर बनी हुई है, तो काफ़ी मोटिवेशनल। और यहाँ मैं वीडियो भी देख रही हूँ तो ताकि आज मेरा वर्कआउट अच्छा हो। और मैं भी जा रही हूँ गोल्ड जिम क्योंकि पानी रुक चुका है, इसलिए मैं गोल्ड जिम जा रही हूँ। वहाँ पर बेनिफिट है कि फिश भी मिल जाएगी जैसे मैंने वीडियोस में बताया। तो मेरा लुक एक बार चेक कर लो। यप, ये है वॉशरूम। और यहाँ पर मुझे शूट करने में काफ़ी मज़ा आ जाएगा क्योंकि काफ़ी बड़ा जिम है और इसके इंटीरियर और इसकी जो लाइटिंग है बहुत ही अच्छी है। और अभी मैं कर रही हूँ कपड़े चेंज, फिर उसके बाद वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जिम का पूरा टूर कराऊंगी कि जिम कैसा है, कि कैसी मशीनें हैं, और मैं खुद दिखना चाहूँगी। तो गाइज, तो मैं गोल्ड जिम एंटर करके मैंने जस्ट अभी वार्म अप सेट किया है। अब मैं ले रही हूँ बादल स्पॉट में मैं 4 सेट लूँगी, 1 सेट वार्म अप एंड 4 सेट विथ वेट। सो लेट्स, क्योंकि मुझे कवर पे ज़्यादा वर्कआउट अच्छा लगता है। ओके, सो लेट्स डू इट 3rd सेट। गाइस, वर्कआउट डन। बहुत ही अच्छा वर्कआउट था। इतने अच्छे प्यारे जिम में वर्कआउट करने में काफ़ी मज़ा आया। यहाँ की मशीनें भी अच्छी हैं और एटमॉस्फेयर भी बहुत ही प्यारा है। तो अब मैं जा रही हूँ फिश लेने, और मैं जा रही हूँ सेक्टर 3 फिश लेने। लेट्स गो गाइस। मे बी भटकते भटकते फाइनली चिकन भी मिल गया और फिश भी मिल गई यहाँ पर। और मुझे लगता है कि मेरे जितने भी वीडियोस होते होंगे वो तलापिया से रिलेटेड ही होते होंगे, पर यहाँ पर तलापिया नहीं मिली, मैंने तो रोहू ले लिया। बट रोहू यहाँ पर बहुत सस्ती मिली मुझे,
थोड़ी सी प्रॉब्लम गई क्योंकि फिर ग्रेटर नोएडा से नोएडा आना पड़ा, फिर सेक्टर 34 आना पड़ा, पर ठीक है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ। मैंने फिश और चिकन को दोनों को वॉश कर चुका है। मैंने लास्ट टाइम क्या किया था, चिकन और फिश को दोनों को मैरिनेट करके एक साथ रख दिया था, तो चिकन और फिश दोनों लड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे, तो आज मैं अलग दोनों को अलग अलग रखूंगी। तो गाइस मैं बना रही हूँ फिश, जैसे मैंने बताया कि मैं फिश बना रही हूँ अभी फिलहाल, तो मैं फिश को मैरिनेट कर रही हूँ। मैंने सोचा क्यों ना इस पर मैं थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है कि यार बहुत ज्यादा टेस्टलेस लग रहा है, तो मैंने सोचा कि कुछ इस बार अच्छा मैरिनेट कर दूं। तो मैं बना रही चटनी, और ये बहुत हेल्दी चटनी है, मैं सब टमाटर की चटनी सबने सुना होगा, तो कुछ उससे मैरिनेट कर रही हूँ मैं। तो अगर मुझे रेसिपी अच्छी लगेगी तो मैं पक्का आपको शेयर करूंगी, तो जब तक कि आप ये वीडियो देखते रहो। इसकी खुशबू तो बहुत टेस्टी आ रही है, मैं फर्स्ट टाइम ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हुआ क्योंकि मैं हरदम जितना इजी हो सकता था मैं उतना ट्राई करती थी कि चलो इजी इजी। गाइस मील रेडी हो चुकी है, फिश एंड सैलेड। मैं टेस्ट कर रही हूँ कि मैं बता रही हूँ कैसी लग रही है मैंने, क्योंकि अभी तक मैंने टेस्ट नहीं किया है। फिश में प्रॉब्लम यही है कि इसमें ना कांटे इतने बड़े बड़े होते हैं, पर हर चीज का स्ट्रगल काफी अच्छा होता है। नाइस, अच्छी है, टेस्टलेस नहीं है बट बहुत अच्छी लग रही है। मतलब मैं 50 ही रेटिंग दूंगी, मतलब 5, 10 में से 5 ही रेटिंग दूंगी।